अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑन डिमांड। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी खीमा मेथी की भाजी। बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये बनेगी, लेकिन टेस्ट इसका लाजवाब होगा और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं खीमा मेथी की भाजी। हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे स्लाइसेस में कटी हुई प्याज 1 मीडियम साइज़ की। इसे गुलाबी होने तक हम अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज गुलाबी हो गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और रॉ स्मेल जाने तक इसे भूनेंगे। अदरक लहसुन अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के मुताबिक। अब इन मसालों को तेल में भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम खीमा। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसे जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे ताकि खीमे के बड़े बड़े पीसेस इसमें ना रहे। खीमा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट में देखिए खीमे का पानी रिलीज़ हो गया है। अब हम इसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1/3 कप। इसे अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट ढककर पकाएंगे। 4 मिनट के बाद देखिए खीमा अच्छे से गल गया है। थोड़ा पानी अभी भी बाकी है, लेकिन फुल फ्लेम पर हम इसे अच्छे से भूनकर पानी को सुखा लेंगे। इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें 4 से 5। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेथी की भाजी। ये 2 गड्डियाँ मेथी की भाजी है, जिसे 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इसमें भाजी ऐड कर लेंगे। 2 मिनट के बाद हम खीमा और भाजी दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए भुनेंगे। मज़ेदार खीमा मेथी की भाजी बनकर तैयार है। चलिए इसे सर्व करते हैं। इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, खिचड़ी के साथ या चावल के साथ किसी के भी साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगेगी। खट्टी दाल और खीमा मेथी की भाजी, ये तो बेस्ट कॉम्बो है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।